थैमस की सबसे पहले लोकेशन मीडियास्टिनम में, सुपीरियर मीडियास्टिनम में मौजूद है। फिर आप देखो थैमिक फीचर्स क्या है, आप देखो ईच ये लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ इट्स ऑन कार्टेक्स ऑन मेडुला। इसमें लिम्फेटिक नोड्यूल आपको नजर नहीं आ रहे, ये बहुत MBCQ है, ठीक है। ये वो वाहिद वो है जिसमें लिम्फॉइड सिस्टम, जिसमें हमें लिम्फेटिक नोड्यूल नजर नहीं आते। ईच लोब्यूल हैज इट्स ऑन कार्टेक्स, ये जो बाहर डार्क है, एंड ऑन मेडुला, ठीक है। और ये ट्रेबिक्यूल है जो इसको लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहा है। एंड वन लोब्यूल में कम्युनिकेट विद द अदर लोब्यूल, में कम्युनिकेट, ठीक है, मिल भी सकता है। जैसे यहाँ पे दोनों आपस में से मिले हुए हैं, यहाँ पे मिले हुए हैं। फिर थाइमस में, थाइमस टी से शुरू हुए, तो इसमें ज़्यादातर बनते क्या है, टी सेल्स। ये टी सेल की फॉर्मेशन की साइट है। थाइमिक इन्वोल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए, इस सारे इलाज में भी पढ़ाया होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो 10 साल की उम्र तक इनकी वेट बढ़ता है, 10 मिलीग्राम तक जाता है। फिर उसके बाद जब 10 के बाद ये इनकी वेट कम होता है, ये इन्वोल्यूशन में जाते हैं, ठीक है। तो जो है फैट सेल की ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाती है, ये सारा सेल ज़्यादातर ख़त्म हो जाता है, इसको हम कहते हैं फैट थायमिक इन्वोल्यूशन। ये आपको आना चाहिए, ये पूछते हैं, ठीक है। फिर थायमस में 6 किस्म के रेटिकुलर सेल्स हैं जो इन सब इसको सेल को लिम्फोसाइट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये लाइक क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल सर ने पढ़ाई होगी, ठीक है। फिर थायमिक जो सेल्स हैं इनको कहते हैं थायमोसाइट्स। फिर डिफाइन हैसल कार्पसल्स, मैंने आपको कहा 6 किस्म के सेल हैं, जो 6 टाइप ऑफ रेटिकुलर सेल्स हैं वो डिजेनरेटिव फॉर्म होते हैं और वो मेडुला में इस टाइप के ये लेमिलेटेड अपीयरेंस हैसल कार्पसल्स बना देते हैं, या इसका दूसरा नाम है थायमिक कार्पसल्स। तो थायमिक कार्पसल्स या हैसल कार्पसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन मेडुला, नॉट इन कॉर्टेक्स, एंड दे आर द डिजेनरेटिव फॉर्म ऑफ द रेटिकुलर टाइप 6, ठीक है। अच्छा, टाइप 1 जो होता है वो ये कनेक्टिव टिश्यू और इस थायमिक के बीच में यहाँ पे बैरियर बनाता है। ये डिटेल जो है था उस सर ने पढ़ाई होगी किसमें, उसमें हिस्टोलॉजी में, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि ब्लड थायमिक बैरियर जो है, ये स्पेलिंग को सही करना, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेयर, ये बहुत MBCQ है। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल देखो ये कनेक्टिव टिश्यू की पड़ी हुई है, इसकी एंडोथेलियल लाइनिंग, ठीक है, इसकी जो एपिथेलियम है, एंड एसोसिएटेड बेजल लेमिना, और इसी की यहाँ पे ब्लड वेसल की जो बेजल लेमिना होती है जिस पर एंडोथेलियल सेल्स रेस्ट करते हैं, एंड पेरीवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, एंड सेल्स ये लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो दे आर फॉर्मिंग दी थायमिक बैरियर, ये बहुत अहम है।